हेलो दोस्तों, पूजा आयुर्वेद चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक्स है ग्रीन टी के 5 फायदे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है दोस्तों, तो बिना स्किप किए अंत तक आप लोग जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप फिटनेस के बारे में सोचते हैं और फिट रहने की कोशिश करते हैं, हो ना हो आप ग्रीन टी जरूर पीते होंगे। बीते कुछ सालों में ग्रीन टी की लोकप्रियता हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हो गई है। दोस्तों, हर कोई फिट रहना चाहता है तो अपनी शुरुआत ग्रीन टी से करना चाहिए। दोस्तों, ग्रीन टी आपके वज़न को कम करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। दोस्तों, ये हमारे इंडिया का बहुत ही पसंदीदा पेय भी है। आप इसके अलावा ये हमारे स्किन की क्वालिटी सुधारने में, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में और लंबे समय तक एक्टिव बने रहने में ग्रीन टी पीना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, ग्रीन टी हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसे आप दिन में 2 बार ही पी सकते हैं। आमतौर में लोग ऐसी गलती करते हैं कि ग्रीन टी को सही समय नहीं तय कर पाते, जिससे कि उनके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी होता है। दोस्तों, इसीलिए दोस्तों, अगर आपको ग्रीन टी के फ़ायदे पाने हैं तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना होगा दोस्तों, जिससे कि आपको ग्रीन टी सही तरीके से पीना और कितने टाइम पीना, इसके बारे में मैंने बहुत बारीकी से बताया है। चलिए आप वीडियो को ज़्यादा बढ़ाते, लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ ग्रीन टी के 5 फायदे। अगर आपको भी ग्रीन टी इस्तेमाल करना सही समय और तरीका पता नहीं है तो ये टिप्स को आप फॉलो करें, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। दोस्तों, ग्रीन टी के पहले फ़ायदे, खाली पेट कभी भी ग्रीन टी ना पिए। खाली पेट दोस्तों ग्रीन टी को कभी नहीं पीना चाहिए। यह हमारे मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है और जो शरीर की एनर्जी लेवल को बहुत ही ज़्यादा डाउन कर देता है, हीमोग्लोबिन को डाउन कर देता है। अगर हम खाली पेट पीते हैं तो गैस्ट्रिक और एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो जाती। दोस्तों, ग्रीन टी के दूसरे फ़ायदे, खाना खाने से 1 या 2 घंटे पहले ही ग्रीन टी पी लें। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ दोस्तों, अगर उस तरीके से आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। दोस्तों, तो आप हमारी बातों को बारीकी से सुने, समझें और उसी तरीके से ग्रीन टी का यूज करें। हमारे तीसरे फ़ायदे, कुछ लोग ग्रीन टी में दूध और चीनी मिलाकर पीते हैं। ग्रीन टी में चीनी और दूध मिलाने से परहेज करें। दोस्तों, चीनी और दूध नहीं मिलाया जाता, इससे जो हम उसके तत्व होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं और हमारे शरीर में गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। दोस्तों, हमारे चौथे उपाय हैं, ग्रीन टी को शहद के साथ मिलाकर पीना फ़ायदेमंद होता है। अगर सिंपल ग्रीन टी पसंद नहीं आता, वैसे सिंपल बहुत ज़्यादा अच्छा होता हमारे शरीर के लिए, जिनको पसंद नहीं आता है वो शहद मिला सकते हैं, 1 से 1/2 टेबल स्पून, बस इससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों, हमारे 5वें फ़ायदे हैं, खाने के तुरंत बाद ग्रीन टी पीना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता हमारे शरीर के लिए। इसीलिए दोस्तों बहुत विशेष ध्यान दें, खाने के बाद कभी भी आपको ग्रीन टी नहीं पीना है, ये आपके शरीर में जहर का काम करता है। इसलिए इस चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझ लें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, बाय।